तो आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। ये शिमला मिर्च काट लो, स्प्रिंग अनियन है स्प्रिंग अनियन काट लो, थोड़ा क्रंची वाला स्वाद देता है वो। फ्राइड राइस और चिली पनीर बनाएंगे आज हम, तो इसमें थोड़ा लहसुन वसुन सब काट लो। लहसुन को दबा के अच्छे से करना, ये पैन में ऑयल गरम करो, अच्छे से तेल गरम करो, इसमें अपना पनीर को भून लो, पूरा फ्राई कर लो पनीर को अच्छे से, गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए पनीर हमारे। उसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च रंग के लिए, और थोड़ी सी हल्दी ताकि थोड़ा कलर आ जाए अच्छा। अब इसको अच्छे से टॉस कर लो, टॉस करके बाहर निकाल लेना। अब उसी पैन में और थोड़ा तेल डालो, जो हमारा लहसुन था वो डालो, अच्छे से लहसुन को फ्राई होने दो, थोड़ी हरी मिर्च अच्छे से भून लो उसको ताकि वो अपना असर दिखाए। जो हमने कटे हुए प्याज रखे थे प्याज रख दो, प्याज टमाटर शिमला मिर्च सब जाएगी इसमें। कटे हुए प्याज अच्छे से, शिमला मिर्च, अब इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक कर लो, इसको भून लो। थोड़े से हरे प्याज, स्प्रिंग अनियन, नमक, ताकि सब सब्जियां अपनी पानी छोड़े और उसमें थोड़ा स्वाद आए। अब इसको अच्छे से टॉस कर लो, मिला लो अच्छे से। अब इसमें सॉसेस डालेंगे, शेजवान सॉस है, शेजवान सॉस डालो, मिला लो अच्छे से। यह सोया सॉस, सोया सॉस भी डाल लो इसको, इसको भी मिला लो अच्छे से। ये पेरी पेरी सॉस है, पेरी पेरी सॉस भी डाल लो, अपने टेस्ट के हिसाब से सॉसेस डाल लो। ये टोमेटो केचप है, टोमेटो केचप डाल लो बढ़िया सा। थोड़े से टमाटर डाल के उसको अच्छे से मिला लो, और उसमें थोड़ा पानी डाल दो ताकि अच्छे से सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाए और सब कुछ मिक्स भी हो जाए एक साथ। थोड़ी देर इसको ऐसे उबलने के बाद, पूरी सब्जी पकने के बाद इसमें कॉर्न सिरप डाल दो ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए सब्जी। जब इसको थोड़ा चला लो, मिक्स कर लो अच्छे से, ये थोड़ी मेयोनीज है, मेयोनीज डाल लो। अब जो हमने पनीर था वो पूरा डाल लो इसमें, जो हमने पनीर किया था चिली पनीर है ये, पूरा डाल दो पनीर इसमें। अब उसको थोड़ा चला लो, चिली पनीर तो हो चुका है, इसको साइड पर रख लेंगे। अब एक पैन में, एक बाउल में पूरा पानी डालो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो और उसमें चावल डाल दो। थोड़ा सा चावल पकाने के बाद उसको अच्छे से, ताकि चिपके चिपके ना, नमक वमक डाल के अच्छे से कर लेना। चावल को ऐसे ठंडा होने के लिए ऐसे फैला लो, सारे चावल के पीसेस अलग अलग हो जाएंगे इससे आसानी से। अब एक कढ़ाई लो, उसमें तेल डालो, जो हमने सब्जियां काटी थी वो डालो धीरे धीरे करके। लहसुन अदरक सब कुछ डाल दो इस पर,
पूरे अच्छे से सब्जियां डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक डाल लो, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, शेजवान सॉस डाल लो थोड़ी सी। अब जो हमने उसमें चिली पनीर में सॉस डाली थी उसमें भी वही सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस है थोड़ी सी, ये पेरी पेरी भी डाल दी हमने। पेरी पेरी अपने हिसाब से डालना, जिसको पसंद है वही डाले। अब उसी में अपने चावल डालो, चावल को अच्छे से मिला लो। ये तैयार है हमारा चिली पनीर और फ्राइड राइस, और इसको आराम से बैठ के खाओ। बाय बाय।